इस कहानी की शुरुआत 20 साल पहले हुई। मदन और पूनम गरीब किसान थे जिनके रागी के खेत थे। वो अपने खेतों पर कड़ी मेहनत करते थे और फिर जब रागी की फसल उगती थी तो उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे। हमें बाकी सारे किसानों की तरह चावल और गेहूं उगाना चाहिए। अगर सभी किसान चावल और गंदुम ही उगाएंगे तो रागी उगना ही बंद हो जाएगा जाने मन। मेरे दादा के दादा भी रागी ही उगाते थे और मैं भी रागी ही उगाऊंगा। हाँ हाँ उगाओ। गांव के सारे किसान चावल और गेहूं उगाकर अमीर बन रहे हैं और तुम अपने खानदानी रागी की फसल उगाकर गरीब ही बने रहो। मैं कितना भी समझाऊं तुम्हारी मोटी बुद्धि पर असर कहाँ होगा। पूनम अक्सर मदन को ताने मारा करती थी पर मदन उसकी एक न सुनता और इसी वजह से गांव वाले मदन और पूनम का बहुत मजाक उड़ाते थे। खाले खाले मदन, तूने सालों से चावल नहीं खाए होंगे, खाले। हाँ, ये तूने सही बात कही। हाँ, इसके पास इतने पैसे कहाँ होंगे कि ये चावल खरीद कर खा सके। गांव वाले अक्सर मदन और पूनम की गरीबी का मजाक बनाया करते थे। आज 20 साल बाद जनार्दन और रघु बूढ़े हो चुके हैं। गांव में एक सरकारी हेल्थ कैंप लगा है। अरे चाचा जी, आपका तो ब्लड शुगर बहुत ज्यादा है। अरे अब क्या करें, इतने साल हो गए शुगर का इलाज कराते हुए, पता नहीं ये शुगर कब कम होगी। अब तो दवा खा के भी परेशान हो गया मैं। हाँ, कमबख्त हमें तो शुगर के साथ साथ बीपी की भी शिकायत है और हमारी बीवी को भी ये दोनों है। अब तो लगता है कि जिंदगी भर हमें दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी। अब क्या कर सकते हैं चाचा जी, आप लोगों का खान पान ही ऐसा है। तभी उनके सामने से मदन गुजर रहा था। दोनों ने हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाने के लिए अपने पास बुलाया। अरे मदन यहाँ आओ, मुफ्त में डॉक्टर जांच कर रही है, तुम भी करवा लो। अरे भाई मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो मैं बेमतलब क्यों चेक कराऊं? अरे ऐसा कैसे मुमकिन है, अरे तुम तो हम दोनों से भी बड़े हो। जब हम दोनों और हमारी उम्र के सारे लोग बीमारी के शिकार हैं तो तुम कैसे एकदम ठीक रह सकते हो भला। अरे क्योंकि हम जिंदगी भर रागी की रोटी और रागी का ही डोसा खाते हैं। रागी के दाने में इतनी शिफा है कि हम अभी तक जवान हैं। अरे अब तुम लंबी फेंक रहे हो मदन। वैसे आपने बात पते की है, रागी के दानों में बहुत शक्ति है। चाचा जी आपकी उम्र क्या है? 60 साल। वाह, आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आप 50 के ऊपर होंगे। ना बाल सफेद, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ भी मजबूत, ये रागी का ही कमाल है। अरे तो सच में रागी के दाने में इतनी ताकत होती है? हाँ चाचा जी। अरे मैं कह रहा था ना, हमारे बाप दादा भी रागी खाकर ही 100 साल तक तंदुरुस्त रहते थे और हम भी उन्हीं की तरह रहेंगे, एकदम तंदुरुस्त। मदन हंसते हुए वहाँ से चला गया। आप दोनों भी रागी खाना शुरू कर दीजिए, आपकी बीमारियाँ भी ठीक हो जाएंगी जल्दी ही। और जनार्दन और रघु सोच में पड़ गए। अरे रागी की रोटियाँ बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है, मेरी बीवी और बहू तो बिल्कुल नहीं बनाएंगी। हाँ और मेरी भी। अरे तो क्यों ना मदन की बीवी से रागी की रोटियां खरीदें हम। हाँ वैसे तुम्हारी बात दुरुस्त है, अगर इससे हमारी सेहत बन सकती है तो क्यों नहीं। दवाई खाने से तो बेहतर है कि हम रागी की रोटियां ही खाएं, हैं? जनार्दन और रघु दोनों मदन के घर पहुँचे पूनम से मिलने। अरे भाभी जी हमें आपसे एक काम था। अरे आप रागी की रोटियां बनाती हैं ना, तो हमारे लिए भी बना दी। हमें डॉक्टर ने रागी की रोटियां खाने की सलाह दी है, लेकिन हमारी बीवी और बहुओं से इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। हमारी किस्मत में वही है, हमारे खेतों में रागी ही उगती है।
तो वही खाएंगे ना। लेकिन याद है भाईजान, एक दिन आप ही मंदिर में हमारा मजाक उड़ा रहे थे। अरे सब याद है भाभी, हम अपने गलती के लिए माफी मांगते हैं। उस दिन हमने आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज समझ में आया कि आप लोग गरीब होकर भी हमसे ज्यादा सेहतमंद खाना खाते हैं। हाँ, हमें माफ कर दीजिए और हमारी मदद कीजिए। ठीक है, हम कल से आप दोनों को रागी का ढोसा बना कर देंगे, पर पैसे लेंगे। जी जी बिल्कुल, आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रघु और जनार्दन वहाँ से खुशी खुशी रवाना हुए। अगले रोज पूनम अपने परिवार के लिए रागी का डोसा बना रही थी और कुछ डोसे ज्यादा बनाए। कुछ देर बाद रघु और जनार्दन आए, उन्होंने पैसे दिए और डोसा खाने लगे। अब से जनार्दन और रघु रोज रागी का डोसा खाने आते थे। कुछ ही महीनों में उन दोनों की तबीयत बेहतर हो गई, जनार्दन का शुगर भी कम हो गया। अरे भाभी, आपकी वजह से हमारा शुगर कम हो गया, शुक्रिया। इन दोनों को देखकर गांव के सारे बूढ़े जवान रागी का डोसा खाने आने लगे। पूनम हर किसी से पैसे लेकर उन्हें रागी का सेहतमंद डोसा खिलाती थी। पूनम के घर के बाहर लंबी कतारें लगने लगी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को स्वादिष्ट और सेहतमंद रागी का डोसा खाना था। अरे पहले मुझे दीजिए। अरे नहीं नहीं, पहले हम आए हैं, हमें दीजिए। सबको मिलेगा, झगड़ा मत कीजिए, सब्र रखिए। रागी का डोसा बनाकर बेचना पूनम का व्यापार बन गया था। इस व्यापार से उसके परिवार की कमाई कई गुना बढ़ गई थी और वो लोग पहले की तरह गरीब नहीं थे। दिन ब दिन उनका कारोबार बढ़ता ही जा रहा था और साथ ही वो अमीर हो रहे थे। वो अपने खेतों में जितनी भी रागी उगाते थे सब डोसा बनाकर गांव में बेच देते थे। अब वो रागी के धान नहीं बेचते थे। एक ही साल में मदन और पूनम ने गांव में एक नई जमीन खरीद ली और नया घर भी ले लिया। अरे मैं कहता था ना कि मेरे दादा के दादा भी रागी उगाते थे और मैं भी रागी ही उगाता रहूंगा। आप सही थे, उनकी ये सफलता उनके रागी के फसल और रागी के ढोसे की वजह से थी।